गाओ इस सॉन्ग को, खड़े होकर पूरा आंखें बंद करके इसको सुनो। ये सॉन्ग मेरा विश्वास है आपको छुएगा, आपके मन के परिस्थितियों को बदलेगा। जितने ऑनलाइन भी अपने घरों में इस मीटिंग को देख रहे हैं, मैंने कहा आपके मन को छुएगा, आपकी दर्द को कम करेगा, आपके बोझ को हल्का करेगा, क्या करेगा, और आपको फ्री करेगा। कोई आमीन नहीं कि मैं ही बोलूं, ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, मैं आपके लिए बोल रहा हूं और आपका कोई आमीन नहीं है। जब ऐसा हो तो आप चीखे मारता हुआ आमीन लोगों को रोड तक सुनना चाहिए, ऐसी आग बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। इधर से नहीं आया अभी भी मुझे कोई आमीन, और ऊंचा। ढीले लोगों को शैतान पकड़ लेता, ढीले मत रहो। हलतानो बो, आंखें बंद रखो और हाथों को उठाकर Thank you.
इस आंतरे को ना सिर्फ खाली इस पियानो के साथ गाओ। हाँ चलिया हवा बढ़िया सी पानिया तूफान ने बिलाया कुवता से सारिया आ चलिया हवा बढ़िया सी पानिया तूफान ने बिलाया कुवता से सारिया ओके में उन्हें अगे खड़े रहना है मेरे यीशु ने सिखाया है कि मैं उन्हें अगे खड़े रहना है मेरे यीशु ने सिखाया है। क्या है चिल्लियां ने हवावां बढ़िया पारियां तूफाना ने भी कैसे तूफाना ने भी लाइया कुवता से सारियां तूफाना ने भी लाइया कुवता ने सारियां कुवता मतलब धक्का आपको गराने का बोलो क्या है तो तूफाना ने पूरा पर उन्ना अग्गे खड़े रहने दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया। किसने सिखाया है इसलिए यहां पे आपको सिखाया जाता है आपको पहाड़े ते नहीं लगाया जाता मैंने कहा यहां पे सिखाया जाता है उस परमेश्वर की पहचान उसके वचन की नॉलेज उसका प्रेम उसका ज्ञान आपको सब यहां पे चीजें समझाई जाती है। अगर बुद्धिमान हो तो समझो किसने सिखाया ये हुनर हमें उस यीशु ने सिखाया है। किसने सिखाया हमें हुनर ये हालातों नु बोलना उलझन ने मेरे ना जितना बोलोगे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोग अपने हालात को 10 लोगों को बताते हैं और ये हालात को बोलना और लोगों को बताना ये पता क्या है जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है उसको बड़ा जितने गुब्बारे में हवा भरोगे ना उतना ही बड़ा होगा। जितना तुम अपने लोगों को अपनी कमजोरियां बताओगे आपको पता जो लोग सेकंड हैंड कारें होती हैं जो सेल करते हैं सेल परचेज का काम करते हैं जब तुम उनके पास जाओगे ना तो जो एक्सीडेंट गाड़ी है पता नहीं उसके कितने चिप पड़े हैं तो जब तुम जाओगे ना तो देखना उसकी वो तारीफ कितनी पड़ेगी वो उसके डेंट और चिप नहीं दिखाएंगे वो उसकी तारीफ करेंगे ऐसे हाथ पे ये देखो वो उसकी कमियां नहीं बताएंगे। तो तुम भी अपनी कमियां बताकर हालातों को बड़ा मत करो उस खुदा के ऊपर भरोसा रखो विश्वास करो और धन्यवाद देना सीखो। बोलो के धन्यवाद देना सीखो गाओ आगे गाओ ओके समय आके जो घेर लेंदे सी अपने विच जो अखा फेर लेंदे सी ओखे समय आके जो घेर लेंदे सी अपने विच जो अखा फेर लेंदे सी उथे माँ उथे बाप उथे यार उन्हें बन के वखाया है हाय उथे माँ उथे बाप उथे यार मेरे यीशु ने सिखाया
किसने सिखाया है? औखे वेले जदों आके केयर लेंदे सी, कौन? हालात। तो अपने भी क्या करते थे, क्या करते थे? अपने भी क्या कर देते थे? उस समय साथ छोड़ देते थे। उसने मां ते बाप द प्रेम बन के दिखाया है, तुम समझो उसके प्रेम को। औखे वेले बोलो क्या, जब हालात आते तो अपने भी साथ छोड़ देते थे, और जगह पे उसने मां और बाप बनकर तुम्हें दिखाया है, अपना प्रेम दिखाया है। श्री हालातों को भूलना उलझन है। आगे गाओ। लोकी केंदे लंगे पानी मुड़े दे नहीं, शीशा ते दिल टूटे छुड़े दे नहीं। लोकी केंदे लंगे पानी मुड़े दे नहीं, शीशा ते दिल टूटे छुड़ दे नहीं। ए जमाने जो दों दिल तोड़िया, उन्हें जोड़ के वखाया। फिर से गाओ। लोकी केंदे लंगे पानी मुड़ दे नहीं, शीशा ते दिल टूटे छुड़ दे नहीं। ए जमाने जदों दिल तोड़िया, उन्हें जोड़ के वखाया। लोग क्या कहते हैं? लंगे पानी मुड़ दे नहीं, क्योंकि जिस तरफ पानी बहता ना, वो वापस नहीं आता। तुम उस बहते पानी में अपना गिलास पानी लेकर उसमें डाल दो, फिर तुम उसको ढूंढो कि मेरा पानी कहां है। कहता लंगे पानी फिर मुड़ दे नहीं, टूटे शीशे जैसे वो जुड़ते नहीं, पर किसने तुम्हें, हाँ लोग कहते हैं कि वो जुड़ते नहीं है, पर किसने तुम्हें जोड़ के दिखाया, किसने तुम्हें फिर से अपने साथ मिलाया। गाओ। लोकी केंदे लंगे पानी मुड़ दे नहीं, शीशा ते दिल टूटे छुड़ दे नहीं। लोकी केंदे लंगे पानी मुड़ दे नहीं, शीशा ते दिल टूटे छुड़ दे नहीं। ए जमाने जो दों दिल तोड़िया, उन्हें जोड़ के वखाया। ओ मैनो जिंदगी जीण दा हुनर मेरे अपनी सिखाया। किसने सिखाया, सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया? अगर आप प्रेरितों की पुस्तक एक अध्याय उसका एक पढ़ो ना, पंजाबी में रसूलां दे करते बोलते, कहता यीशु खुद करने और फिर सिखाने लगा। पहले वो खुद करने लगा, फिर सिखाने लगा। पहले उसने सब कुछ करके दिखाया। जब तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे कहां करेंगे? जब तुम ही नहीं वचन को पूरा कर रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चे कहां करेंगे? वो करेंगे। पहले तुम करके दिखाओ, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। इसलिए उसने कहा, जो मुझसे प्रीत पालते हैं उन हजारों पर मैं करुणा करता हूं, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी तक करता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं। करके देख लो, मैंने कहा करके देख लो, इसलिए मैंने कहा चखो, मैं भला हूं कि बुरा हूं।
हर चीज को करने से पता चलेगा। इसलिए वचन कहता है जो खाली सुनते हैं करते नहीं वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो धोखा ना खाओ, क्योंकि उसने हमें जिंदगी जून का हुनर सिखाता, उसे समझो सीखो और जिंदगी जियो। हालातों को बोलना लिखा उलझन है मेरे नाम, उसने सिखा दिया है। नहीं समझ तो सीख लो, फिर क्या करना है करके देख लो। यीशु मसीह ने कहा सोचने से कोई इंसान अपनी उम्र के पलों को बढ़ा नहीं सकता। सोचने से किसी की जिंदगी के पल बढ़ते नहीं है, जबकि कम होते हैं, दुख और आते हैं। और वचन को मानोगे पूरा करोगे। ये मेरी बहन है जिसने पीला दुपट्टा लिया, इसका ना पति नशा करता है, उसने बहुत सी चीजें बेच दी। क्या दे बेच दी? क्या परमेश्वर अन्यायी है? क्या परमेश्वर अन्यायी है? मुझे बताऊं, अन्यायी परमेश्वर किसके पति को फ्री ना करे, उस नशे की दुष्ट आत्मा से छुटकारा ना दे? बोलो क्या वो अन्यायी परमेश्वर है कि ना करे? पर वो वचन जो पूरा करते हैं और भरोसा रखते हैं, लिखा वो सियोन पर्वत के समान है जो टलने का नहीं, जो उस पर भरोसा रखते। पता सियोन पर्वत जिस पर परमेश्वर आए थे मूसा को मिलने के लिए, कहता वो सियोन पर्वत के समान है जो टलने का नहीं है, जो किस पर भरोसा रखते हैं और किसके वचन को पूरा करते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूं उनके प्रेम को जो 12 बजे आ रहे हैं। मैं अभी भी आ रहा था ना जब, तो एक फैमिली को मैंने देखा अभी आ रही है, मैं भी उस समय 12 से भी ऊपर टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो मैं 7 बजे भी आ जाऊं, डोंट वरी। पर मैं जितना समय खुदा के साथ बैठूंगा उतना ही मैं तुम्हें दे पाऊंगा। तुमने तो आकर लेना है, तुम ले भी नहीं सकते तो क्या करोगे तुम? तुम कुछ भी तो किसी साइड भी तुम पूरे नहीं पढ़ रहे, कुछ तो करो। अगर मैं घंटों बैठकर तुमसे मांग रहा हूं, खुदा से ले रहा हूं, तो तुम उसे लेने के लिए अपने कम से कम अपने टाइम को अपनी उस चीजों को तो पूरा करो, कुछ तो वही करो सही। तुम कहते हो कुछ ना करें सारा कुछ सही हो जाए। अब जो 12 बजे आ रहे हैं, देखो उनका किराया भी उतना ही लगा, टाइम भी उतना ही लगा कि नहीं कम लगा है? कि कम लग गया, लेट आने से किराया कम लगा, टाइम कम लगा, सब कुछ उतना ही लगा। तो ये आलस की चीजें छोड़ दो, खुदा को रिस्पेक्ट दो, उसकी इज्जत करो। करके देख लो, उसकी इज्जत करो, इज्जत करके देखो भाई, सब चीजें सही करो। क्यों लिखा परमेश्वर ने पवित्र लोग सिद्ध हों और मसीह की देह उन्नति पाए? तुम जब तक तुम्हें लगता कोई ना चल हजे कड़े हजे ते पापा जी इन्ने के बजे आंदे आ ते उन्ने ही अपन नु ठीक करना है। मैंने नहीं ठीक करना, सब कुछ उसने करना है जिसके वचन को पूरा करोगे। अगर तुम्हारी सोच में ना कि मैं इतने बजे आता हूं कोई बात नहीं, इतने बजे जाते हैं, तो तुम गलत चीज कर रहे हो। तो अपनी आदतों को बदलो, वचन भी कहता है बदल के देख लो। मैंने कहा तैयार हो फिर बदलने के लिए? तैयार हो? अगर ये बहन प्रार्थना में हफ्ता लगाती, मैंने पिछले संडे एक गवाही दी थी, लोगों का सुन के भी मन नहीं बदला कि मेरे ऊपर हालात हैं, मेरे घर में हालात हैं, तो क्या करूं मैं? मैंने आपको गवाही बताई थी, एक बहन के पति को पैरालाइज हो गया। क्या हो गया? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने वचन को नहीं पूरा किया। सबकी नहीं बात कर रहा मैं,
पैरालाइज हो गया और डेड हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया सब टॉयलेट बाथरूम सब बेड पर, बस जवाब दे दिया इसकी सेवा करो कितने दिन है। वचन आया परमेश्वर के दास के मुंह से 40 दिन की प्रेयर है, क्या है बोलो। अब ना तो उसका पति कुछ, एक तो ऊपर उसको खर्चा लग रहा है, उसको संभाल रहे हैं, ऊपर से बच्चों को खाना खिलाना पढ़ाना खर्चा कितना कुछ है। पर उसने जब वचन आया ना तो उसने कहा नहीं मैं कर्जा उठा लूंगी, मैंने 40 दिन अगर वचन आया परमेश्वर तेरी ओर से तो मैंने पूरा करना है, मैं 40 दिन इस प्रार्थना में रहूंगी। तुम 3 दिन नहीं लगा रहे हो कैसे बंदे हो, क्या उम्मीद रखते हो, क्या चाहते हो कि परमेश्वर क्या करे। 40 दिन मैंने कहा उन्हें, उसने लगातार वहां पे वो उसने एक भी दिन मिस नहीं किया 40 दिन। खुदा ने डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, 4 पाई था परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, आज वो भाई काम धंधा कर रहा पैसे कमा रहा है, सब कर्जे कुर्जे उतर के जो उठाए थे क्योंकि 40 दिन जाना है। अब 40 दिन काम पे नहीं वो, क्योंकि वो बहन काम कर रही थी, भलो काम करेगी तो बच्चों को पालेगी पति को, समझ आ रही है। जब छूटना है छुटकारा खुदा से लेना है तो भाई कुछ उसे करके दिखाना पड़ेगा, तुम कहते करो कुछ ना दिखाना पड़ेगा, अगर छुटकारा लेना है तो दिखाना पड़ेगा। अब देखो ना उसकी उसकी सिचुएशन कितनी बड़ी है, पति को संभाले बच्चों को संभाले कि पैसे काम करके पैसे कमाए, कितने मेरी बात समझ रहे हैं। लोगों को एक्सक्यूज बहाने बनाने आते हैं, ये छोड़ दो ये आदतें छोड़ दो, अगर कुछ कुछ खास जिंदगी जीनी है जो यीशु मसीह ने जिंदगी जीवन का हुनर सिखाया है, उसने सिखाया, उसने चेलों को सिखाया था सब क्या क्या करना है, क्या किन किन आज्ञाओं को मानना है, उसने सिखाया था सब सिखाया, वही चीजें आपको सिखा रहे हैं। क्या नहीं कर सकता परमेश्वर, मैंने कहा क्या नहीं कर सकता हूं, कितने विश्वास करते हैं। कई लोग अपना काम लेकर जैसे उस बहन की गवाही दी, इतना बड़ा हालात, जब तक इंजेक्शन लगता थी मेडिसिन खाती नहीं तब तक सांस नॉर्मल नहीं होती थी, तो अब उस वो तो ठीक होगी, अब क्या क्या करना आके प्रेयर में, अब तो मैं ठीक हो गई हूं, तो समझ आ गई ना भाई, समझो बुद्धिमान बनो। तो तैयार हो, हालातों को बोलना उलझन है, इन्हें बंद कर दो फिर से गाओ। हलातानो बोलना उलझन मेरे ना, हलातानो जिंदगी जियो